ये वाली जायनमाज इतनी पसंद है ना मुझे, हमने मक्का से लिया ही है एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड, बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा आई डोंट इवन नो कि मैं ये व्लॉग क्यों कर रही हूँ, बस मेरा दिल कर रहा था इसलिए कर रही हूँ। बाय द वे रिसेंटली हम उम्र पर से आए तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रैंडम डे इन माई लाइफ। तो फिलहाल जी मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ एंड लेट मी शो यू मैं आजकल क्या स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर रही हूँ। अच्छा रिसेंटली ना बाली स्किन का ये टी ट्री टोनर इस्तेमाल करना शुरू किया है और अगर आपकी एक्नी प्रॉन स्किन है तो यू आर गोइंग टू लव इट। इसके बाद सिरम है ये एक्सेस वाई का डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सिरम है, कोरियन प्रोडक्ट है ये, काफ़ी फेमस है, मैं इसको ट्राई कर रही हूँ आजकल। इसके बाद ये जी है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर, अच्छा है काफ़ी, प्लस टैन वगैरह को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। उसके बाद ये है लनेश का लिप स्लीपिंग मास्क, आई लाइक टू यूज़ इट एज अ लिप बाम क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग है। और ये जी है मून टच की लिप एंड चीक टेंट, मॉर्निंग में अक्सर मैं टेंट यूज़ करती हूँ, थोड़ा वेल मेंटेन्ड फील होता है। तो ये दीजिए मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, नाउ लेट्स गो फॉर नाश्ता क्योंकि आई एम वेरी हंग्री। सीधा सिंपल सा नाश्ता है भैया, चाय पराठा क्योंकि आज मस्त ना ऐसा लच्छेदार पराठा खाने का दिल कर रहा था, तो चलो बाद में मिलती हूँ। अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्लान, ग्रोसरी करने आया घर पे, सौदा तो खत्म हुआ हुआ, मेरे नूडल सारे खत्म हो गए तो मैं तो उसी के लिए आई हूँ। कनौर नो शूप यस, क्योंकि बॉयकॉट अभी भी चल रहा है, इंशाल्लाह फॉर अ लाइफ टाइम। बाय द वे काफ़ी न्यू नूडल्स दिख रहे हैं मुझे आज यहाँ पे, एक मुझे मैगी भी दिखा है, इंडिया में मिलता है आई थिंक, बट यहाँ मैंने ये पहली बार देखा है, पेडास गिलर पता नहीं क्या ही नाम है, बट ट्राई करते हैं। इसके अलावा इंडोमी ऑफ कोर्स क्योंकि फर्स्ट टाइम वादी जिद में ट्राई किया था, उसके बाद से काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। ये जी आ गया सारा मेरा खाना। तो लच को बाकी चीज़ें भी लेनी है, पाकिस्तानी ब्रांड, अफोर्डेबल प्राइस एंड अमेजिंग टेस्ट, और स्पेशली ये जो उनकी थाउजेंड आइलैंड वाली ड्रेसिंग है ज़बरदस्त। अभी ये कैचअप अचार जैम वगैरह लेना है और आगे लोग हैं तो मोबाइल बंद कर रही हूँ मैं। यार एक मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं फलक का स्पाइसी चीज़ मसाला दिखे ना मुझे डिलीवर करा दो, मेरे घर पे भिजवा दो बस, वो बहुत टेस्टी था लेकिन उसके बाद से मुझे कभी नहीं मिला। ये चाट मसाला भी काफ़ी अच्छा है उनका, ये पेरी पेरी सीजनिंग भी ट्राई करके देखते हैं। गाइस फड्डा हो रहा है, हाई हेलो, सो आई एम बैक होम और अभी मैं जर्नलिंग करने लगी हूँ अबाउट द डेज दैट आई स्पेंट इन मक्का एंड मदीना। सो या बाय द वे ये जो मार्कर्स का सेट है मुझे बहुत पसंद है, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। दीज आर सम हाईलाइटर्स, गम स्टिक, जेल पेन और ये है जी मेरे सारे स्टिकर्स की कलेक्शन जो कि बहुत थोड़ी सी बची है, आई नो आई नीड टू बाय सम मोर, बट मैं स्टिकर्स और कलरफुल हाईलाइटर्स और मार्कर्स के बिना जर्नलिंग बिल्कुल नहीं कर सकती, सो सम मोर हाईलाइटर्स। और ये बोर्डिंग पास है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाले मूड में हूँ तो मैं इसको स्टिक करना चाह रही हूँ जस्ट टू लॉक इन द मेमोरी। बाय द वे आई हाईली इनकरेज कि आप सभी जर्नलिंग करो, पता है जर्नलिंग ना एक अनपेड थेरेपिस्ट की तरह होती है, बहुत मजा आता है, रिलैक्स फील होता है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। और जर्नलिंग के कोई रूल्स नहीं होते हैं कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है, अक्सर लोग मुझे क्योंकि कमेंट करते रहते हैं आप जर्नलिंग करके दिखाएं ये करें वो करें, तो इसका कोई रूल नहीं होता है, यू जस्ट राइट आपका जो आज दिन गुजरा जैसे गुजरा वो लिख दो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था वो लिख दो, बस जो दिल में आ रहा है लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। कुछ लोग क्रिएटिव भी करते हैं जैसे कि आज मैं क्रिएटिव मूड में हूँ और कभी कभी मैं बस ब्लैक पेन उठाती हूँ और लिखना शुरू कर देती हूँ दिन के बारे में, सो या चिल सीन है बिल्कुल जर्नलिंग का। भाई मोबाइल की चार्जिंग हो गई है डेड और मुझे तो एक डेढ़ घंटा लगेगा, मैं पूरा सफरनामा लिखने वाली हूँ क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज हैं सब लिखनी है। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। One eternity later. अच्छा जी अपडेट, तो अभी हम लोग ये तबरुक बैग्स बना रहे हैं जो खजूर और जमजम और ये सब चीज़ें होती हैं, तो चलो काम पे लगते हैं। Thank you.
मैं थक गई हूँ, तो अब बाकी मम्मा करेंगे, तो या टाटा बाय बाय। अच्छा जी, तभी भी एक दराज का पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। कल मैंने कुछ ऑर्डर किया था दराज मार्ट से, मुझे याद नहीं था, तो साथ में खोल के देखते हैं क्या क्या। छोटी सी अनबॉक्सिंग हो जाएगी ये। बाय द वे हिंट ये कि इसमें सारे स्नैक्स हैं, टोटल स्नैक्स हैं, क्योंकि घर पे कुछ था नहीं खाने को तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। सबसे पहले मेरी फेवरेट चीज़ सामयांग के बुलदाक रामेन नूडल्स हैं ये, और मेरा फेवरेट फ्लेवर है क्रीम कार्बोनारा, उसका मैंने ये पूरा फैमिली पैक मंगवाया है। इसके अंदर 5 packs होते हैं नूडल्स के, और ये अच्छा ये यम्स का पैकेट है छोटा वाला। अच्छा ये ग्रीन वाला ज़्यादा मज़े के होते हैं, येलो इतने अच्छे नहीं होता। इसके बाद जी ये अगेन नूडल्स, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया, मतलब पहली बार खाऊंगी। ये है जी रामेन किमची नूडल, सामयांग के स्टोर पे ही था ये, तो वहीं से मैंने मंगवाया। अच्छा मैं सब्जियों का लिंक ना याद से मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। उसके बाद चिली मिली का डब्बा, ये मेरा फेवरेट है, ये 10 rupees वाले छोटे से पैकेट्स होते हैं ना, वो यही है, मुझे बहुत पसंद है ये। अच्छा इसके बाद डब्बे में क्या है, ओके लास्ट यही बचा है। अच्छा दिस इज़ गोचुजांग हॉट पेपर पेस्ट, ये आपने देखा होगा कोरियन रेसिपीज़ जो भी होती हैं, नूडल्स हों चाहे रामेन हो या कोई और रेसिपी हो, किमची वगैरह सब में यूज़ करते हैं कोरियन ये गोचुजांग पेस्ट। तो दराज में मुझे ये दिखा, मैंने ऑर्डर किया, अब अंदर से कैसा होगा कुछ नहीं पता, लेकिन देखते हैं ट्राई करके। तो ये थी मैं सारी की सारी चीज़ें जो कि इस दराज के डब्बे में से निकली हैं, छोटा सा हॉल मैंने शेयर किया है, ये सब कुछ खाने पीने का है, एंड आई विल लिंक इट ऑल, आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लेना। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी या नहीं, बट मैं दोस्त के घर आई हुई थी और सडनली हमारा प्लान बना है मॉल जाने का, तो हम वहाँ जा रहे हैं। वी आर एट मिनीसो राइट नाउ। ये वाला प्राइस ही लग रहा है, 2400 लिखे हुए नहीं है। डायनासोर्स बहुत पसंद है, सब दिला दो एक एक भैया, सब एक एक पैक कर दे। ओ भाई ये बहुत क्यूट है, लेकिन हमने नहीं देखा। हमको प्यारी प्यारी हुडीज दिख गई है, कौन सा? सो वी गॉट कराची रोस्ट के बर्गर एंड फ्राइज, लेट्स सी। अच्छा है, लेकिन आई वुड से 8 out of 10। सो गाइज वी आर ट्राइंग चॉकलेट फाउंटेन मार्शमेलोज टुडे। यहाँ पे ये फूड कोर्ट में था, चॉकलेट का फाउंटेन है, इसमें मार्शमेलोज डिप करके खाते हैं, सो इसको ट्राई कर रहे हैं। हाउ इज इट, लेट मी ट्राई। यम्मी है ब्रो, बहुत मजे का यार। अच्छा तुम लोगों सभी घर जा रहे हैं, मैंने कहा यहीं आउटरो कर लेती हूँ। सो दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। Make sure to subscribe and I'll catch you in the next video. Bye bye.